तो दोस्तों आज वही है 4 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आगे आप तक इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। हर वो जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के संपूर्ण किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों की महापंचायत राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, अभी तीनों बिल वापसी की ही बात कही है, नहीं माने तो जनता गद्दी वापसी की मांग करेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ जमा हुई। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा कई अन्य बड़े किसान नेता भी मौजूद थे। किसानों की भारी भीड़ के बीच पंचायत ने तीनों ही बिल वापसी की मांग के प्रस्ताव को यहां पर पास किया है। तो वहीं राकेश टिकैत ने इस पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी जनता ने केंद्र सरकार से तीनों ही नए कृषि कानूनों की वापसी की ही मांग की है, यदि मोदी सरकार नहीं मानी तो जनता गद्दी वापसी की भी मांग करेगी। इस कार्यक्रम में किसानों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बिल वापसी से कम किसान नहीं मानने वाले हैं, देश भर के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में राकेश टिकैत ने यह बड़ा दावा भी किया है। तो वहीं दोस्तों जींद महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, उन्होंने आगे कहा कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जींद महापंचायत में जबरदस्त तरीके से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरा है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को लेकर के पीएम मोदी की संसद में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 70 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर के सरकार और किसान संगठनों के बीच में तकरार लगातार जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने किसान आंदोलन के मसले पर संसद में हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बैलेट पेपर का इस्तेमाल ईवीएम का समर्थन करने वाले दलों को हराएगा, ये यहां पर कहना है महाराष्ट्र में एनसीपी का। जी हां दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर मतदान के दौरान बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो ईवीएम के कारण जिन लोगों ने चुनाव जीते हैं वे सब 2024 में होने वाले चुनाव हार जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य विधानसभा से एक ऐसा कानून बनाने के लिए कहा है जिसके तहत मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम एवं बैलेट पेपर दोनों का विकल्प उपलब्ध हो। एनसीपी के प्रवक्ता का यह बयान इसके एक दिन बाद ही सामने निकल के आया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार पहले चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से बैलेट पेपर प्रणाली वापस लाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा कि सभी चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दोस्तों लगातार जनता भी यही मांग कर रही है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जाए, क्योंकि ईवीएम पर लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया है और यहां पर बैलेट पेपर का सभी चुनावों में उपयोग किया जाए, क्योंकि लगातार छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे हैं ईवीएम में और जिसका नतीजा हाल ही में बिहार में भी देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप लोग भी खुलकर के ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, संसद और सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं सभी संस्थाएं हो रही हैं नाकाम, इनमें चेतना जगाने की जरूरत है। ये यहां पर बड़ा बयान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तरफ से सामने निकल के आया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना है कि हमारे संस्थानों में कर्तव्यों की चेतना को विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे संस्थान कुछ हद तक नाकाम हो रहे हैं और यह सिर्फ हमारे सर्वोच्च न्यायालय और संसद तक ही सीमित नहीं है। अंसारी ने दोहराया है कि देश में बढ़ती असहिष्णुता के कई मिसालें देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि असहिष्णुता तो हमेशा से थी, हाल के वर्षों में इसमें कई गुना और कई तरह की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि इसे सरकारी समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने से देश में अल्पसंख्यकों के लिए हालात बहुत खराब हुए हैं।
हामिद अंसारी ने आगे कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भी हर भारतीय नागरिक की तरह ही व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में समानता होनी चाहिए, हमें संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, इसमें समानता, न्याय और बंधुत्व की बात कही गई है। ये शब्द स्पष्ट और बहुत ताकतवर है। न्याय भाईचारे के साथ साथ हर समाज की नींव है। अगर आप अपने साथी नागरिक को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं, और शायद आज के दौर में इसी न्याय की कमी देखी जा रही है देश में। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीधे तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर निशाने पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गोदी पत्रकारों की तरह बनी गोदी कलाकारों की फौज, इनका मुंह तो खुला मगर किसानों के खिलाफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों के हक में आवाज बुलंद करने वाले ग्लोबल सेलिब्रिटीज के खिलाफ अब भारत के कुछ सेलिब्रिटीज ने मोर्चा खोल दिया है। इनमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सुनील शेट्टी, करण जौहर और एकता कपूर जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। इन भारतीय सितारों ने किसानों के हक में उठने वाली ग्लोबल सेलिब्रिटीज की आवाज को देश को तोड़ने वाला बताया है। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी से बचाने के चक्कर में इन लोगों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये आंदोलन आखिर हो क्यों रहा है। आखिर 70 दिनों से कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर आखिर क्यों बैठे हैं, क्यों वह इस आंदोलन के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या सरकार के समर्थन में ट्वीट करने वाले इन लोगों को पता है कि आंदोलन के दौरान तकरीबन 150 से भी ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है और सैकड़ों अभी भी लापता हैं। देख सकते हैं कि गोदी पत्रकारों की तरह बनी है गोदी कलाकारों की फौज, इनका मुंह तो खुला है लेकिन किसानों के खिलाफ। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने किया है जोरदार हमला, कहा देश के सामने गंभीर खतरा है और सरकार को पता ही नहीं है कि वह क्या करना चाहती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के सामने गंभीर खतरा है और सरकार को पता ही नहीं है कि वह क्या करना चाहती है। चाहे चीन से पैदा हुआ खतरा हो, किसानों की समस्या हो या फिर बर्बाद होती अर्थव्यवस्था, लेकिन मोदी सरकार अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करने में व्यस्त है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की सोच और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने किसानों की तीनों ही कानूनों को वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को डू डू कहा है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा, बेहतर होगा कि सरकार आज ही पीछे हट जाए। तो वहीं उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी किए जाने की कड़ी आलोचना की है और सरकार को सुझाव दिया है कि वह कानूनों को तत्काल वापस ले। किसानों को डराना धमकाना समस्या का हल नहीं है, यह समय किसानों से बात करने का है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने उठाए कृषि कानूनों की वापसी की मांग, कहा अंग्रेजों को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा था। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सरकार को जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए और उन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए जिनके खिलाफ किसानों का एक वर्ग लंबे समय से आंदोलन लगातार कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र व्यक्ति हैं जो जम्मू और कश्मीर और किसानों के आंदोलन दोनों समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बिना नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। आजाद ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। ये यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने संसद के अंदर मांग की है प्रधानमंत्री मोदी से। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली गाजीपुर जितनी सुरक्षा तो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है, राज्यसभा में बोले हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राज्यसभा में तीनों ही किसान कानूनों पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर किसानों के मसले पर संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने तीनों ही बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात मान ली होती तो आज यह संकट ना खड़ा होता। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने आगे कहा कि गाजीपुर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर
देश की पार्लियामेंट और पाकिस्तान बॉर्डर से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आखिर क्यों है? क्या किसान दिल्ली पर हमला करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कृषि कानूनों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि अगर 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड करने के लिए सरकार राजी है तो फिर तीनों ही कानूनों को इस सत्र में खत्म कर नए बिल लाकर उसे स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से क्यों नहीं पास कराया जाता है? अगर तीनों ही बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की आपने विपक्ष की मांग मान ली होती तो यह संकट बिल्कुल भी ना खड़ा होता। सपा सांसद ने कहा है कि हमारे किसान कई महीनों से बैठे हुए हैं सड़कों पर, सर्दी, भूख और अन्य कारणों से तमाम किसानों की जान जा चुकी है। सरकार ऐसी निर्दयी और बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर तक नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव भड़के हैं केंद्र की मोदी सरकार पर राज्यसभा के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन का मंच टूटने पर बोले राकेश टिकैत, कहा भाग्यशाली लोगों के साथ ही ऐसा होता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के जींद में हुई महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। जींद के कंडेला में महापंचायत के दौरान मंच टूटने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि ऐसा भाग्यवान लोगों के साथ ही होता है। तो वहीं इससे पहले केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए टिकैत ने मंच पर कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान 44 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च करेंगे। इसके बाद टिकैत ने केंद्र सरकार को अक्टूबर तक की मोहलत भी दे दी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर से बोली सरकार हटा ले किसान आंदोलन से जुड़े हैशटैग वाले ट्वीट। तो आम आदमी पार्टी ने कहा इतना डर आखिर क्यों? आप लोगों को बताते चलें, सरकार ने ट्विटर से कहा है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े कंटेंट और अकाउंट को उसके प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। इसके लिए सरकार ने ब्लॉगिंग साइट को आदेश भी जारी किया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार को किसानों के प्रदर्शन से इतना डर आखिर क्यों लग रहा है? तो वहीं सरकार ने कहा है कि ट्विटर अगर सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन जेजेपी के जिला अध्यक्ष ने छोड़ी है पार्टी दबाव में दुष्यंत चौटाला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन को लेकर के जितना दबाव बीजेपी पर है उतना ही उसके सहयोगी दलों पर भी है। जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया बीजेपी के सहयोगी उसे छोड़ते गए, जो बचे हैं वे जबरदस्त दबाव में हैं और लगातार उनका विरोध हो रहा है। बात हो रही है हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, जेजेपी के भीतर कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के समर्थन में ना खड़े होने को लेकर के जबरदस्त उथल पुथल है। और इस बीच करनाल जिले के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने किसानों के समर्थन में पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से कहा था कि वे कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। गौरैया ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा धरना जन आंदोलन बन चुका है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि वे पहले किसान हैं और इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे किसानों के समर्थन में पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जेजेपी में बगावत शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मुश्किल में यहाँ पर साफ तौर पर जेजेपी नजर आ रही है और उस पर काफी दबाव भी साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर के नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी ने बीजेपी में गए बागी मंत्री पर कसा शिकंजा, भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दिए हैं आदेश। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पूर्व वन मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के बागी नेता राजीव बनर्जी पर वन विभाग में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। सीधे तौर पर राजीव बनर्जी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा है कि एक व्यक्ति ने हाल ही में बीजेपी का रुख किया है, हमें उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं, मैंने इस मुद्दे पर जांच के आदेश दे दिए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बागी नेता के खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी पर शिवसेना का जोरदार हमला, कहा आंदोलनकारी किसानों को सड़क पर मरने देना तिरंगे का असली अपमान है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा के दौरान तिरंगे का अपमान नहीं किया गया,
किसान आंदोलन के लाल किले पर पहुंचने तक यह तिरंगा ज्यों का त्यों बरकरार था। आप लोगों को आगे बताते चले, शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि मीडिया में उस दिन की जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं उनसे साफ पता चलता है कि तिरंगे को छुआ तक नहीं गया। भाजपा के द्वारा जो कहानी बनाई गई है कि तिरंगे का अपमान किया गया है, ऐसा किसान विरोध को विफल करने के लिए किया गया है। आप लोगों को आगे बताते चले, शिवसेना ने आगे कहा है कि यह सच है कि एक समूह ने कानून तोड़ा और उस पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि आंदोलन राष्ट्र विरोधी है ये पूरी तरीके से गलत तथ्य है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी पर शिवसेना ने किया है जोरदार हमला। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई है दाखिल, इंटरनेट बहाल करने की गई है मांग। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के दौरान बैन इंटरनेट की बहाली की याचिका लगाई गई है। पिटीशन में सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर में इंटरनेट को तत्काल बहाल करने की मांग की गई है। तो वहीं सिख समुदाय को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले मीडिया घरानों को भी निर्देश देने की प्रार्थना की गई है याचिका में। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।